हाय गाइस, माय नेम अनिल यादव। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम ड्रेस लॉगिन पर जाकर जब हम कोई भी TDS फाइल करते हैं तो उसका स्टेटमेंट स्टेटस हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ कि आप गूगल में ड्रेस लॉगिन फिल कीजिए और उसके बाद क्लिक करेंगे तो आपका एक पेज ओपन होगा ड्रेस लॉगिन का। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए ड्रेस लॉगिन पर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरा यूज़र आईडी पासवर्ड पहले से सेव है। मैं अपना टैन नंबर फिल कर देता हूँ और कैप्चा कोड में फिल करता हूँ केयरफुली। हाँ, ये देखिए आपका ट्रेस लॉगिन का पेज ओपन हो चुका है। तो जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि हम TDS फाइल करते हैं तो TDS फाइल करने के बाद वो TDS फाइल सक्सेसफुली फाइल हुई है या नहीं तो हम कैसे चेक करेंगे। तो ये जानना जरूरी है कि जो भी हमने फाइल किया है वो सही सही सबमिट हुई है या नहीं हुई है, वे और मतलब उसमें कोई करेक्शन नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट पेमेंट के ऑप्शन पे जाकर आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टेटमेंट स्टेटस दिया हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका एक पेज ओपन हुआ है स्टेटस ऑफ स्टेटमेंट फाइल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आप इसे स्टेटमेंट द्वारा भी फिल कर इसे सर्च कर सकते हैं, टोकन नंबर द्वारा भी। टोकन नंबर जो हमें जब हम TDS फाइल करते हैं तो जो भी हमें रिसिप्ट मिलती है वहाँ पर टोकन नंबर दिया हुआ होता है। तो सबसे इजीली तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टेटमेंट द्वारा ही चेक कीजिए। तो यहाँ पर स्टेटमेंट पे और स्टेटमेंट के चेक बॉक्स पे ऑलरेडी क्लिक किया हुआ है। अभी हम देखेंगे कि मैं फाइनेंशियल ईयर 15-16 का चेक करूँगा अपने ऑफिस का। और क्वार्टर जैसे कि आज 12 तारीख है तो अभी का क्वार्टर फिल नहीं हुआ है। अगर मैं इसके पहले का क्वार्टर आपको चेक करके दिखाऊंगा। आप क्वार्टर 2 पे क्लिक कीजिए और फॉर्म टाइप जो भी है आपका 24Q, 26Q, 27Q एक्सेट्रा जो भी है। तो मेरा 24Q है। इस पर क्लिक करने के बाद मैं व्यू स्टेटमेंट स्टेटस पर क्लिक करूंगा। अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर मेरा टोकन नंबर दिया है रेगुलर स्टेटमेंट टाइप रेगुलर फाइनेंशियल ईयर 15-16 क्वार्टर 2 फॉर्म टाइप 24Q। अब यहाँ पर मैं स्टेटस पे देखूंगा कि प्रोसेस्ड विदाउट डिफॉल्ट, मतलब बिना किसी गलती के मेरा जो भी 24Q मैंने TDS फाइल किया था वह TDS CPC को सबमिट हो गया है। अब यहाँ पर अब इसका जो भी इसको मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। आप डैशबोर्ड में जाइए। डैशबोर्ड में जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वार्टर 2 15-16 पे क्लिक कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की नोटिस या पेनल्टी होगी तो यहाँ पर लिख के आ जाएगी कि आपको किस सेक्शन में किस ऑप्शन में पेनल्टी आपको लगाई गई है। तो जैसा कि 24Q के क्वार्टर 2 में मुझे किसी भी प्रकार की पेनल्टी नहीं लगाई गई है क्योंकि मैंने वहां पर देखा था ना प्रोसेस्ड विदाउट डिफॉल्ट। तो अगर आपके इसमें किसी भी प्रकार की गलती है तो जैसा कि यहाँ पर देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 13-14 के क्वार्टर 3 में ये देखिए गलती थी तो मैंने इसे करेक्शन किया। तो यहाँ पर देखिए प्रोसेस्ड विथ डिफॉल्ट। तो यहाँ पर इस 24Q के क्वार्टर में मेरी गलती थी। तो यहाँ पर देखो यह डिफॉल्ट है, मतलब इसमें गलती है आज भी। और अगर गलती नहीं है तो अभी मैं क्वार्टर 4 देख लूंगा। देखिए प्रोसेस्ड विदाउट डिफॉल्ट, तो इसमें किसी भी इसमें मेरी बिना गलती का जमा हो गया है TDS मेरा जो भी है 24Q। और यहाँ पर डैशबोर्ड में फिर से मैं आपको दिखा दूं कि ये
ये देखिए, स्टेट पेमेंट के बगल में डिफॉल्ट दिया हुआ है, आप डिफॉल्ट पर जाइए, व्यू डिफॉल्ट समरी, आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद मैं देखूंगा कि मैं 15-16 का जो भी Q2 फिल किया हूँ मैं, वो पे क्लिक कीजिए। तो किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार का मैसेज नहीं है। अगर वही मैं आपको यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिखा दूँ कि फिनेंशियल ईयर 13-14 में जब मैंने अपना थर्ड क्वार्टर फाइल किया था, तो यहाँ पर उसमें कुछ गलती हो गई थी मुझसे। ये देखिए, यह उसकी पेनल्टी है, 1080 रुपीज। तो अगर हमको यह गलती हुई है हमसे, तो इसका हम पेमेंट कैसे करेंगे, इसे हम रिवाइज कैसे करेंगे, यह मैं आपको अपने अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह मेरा जो भी जो